नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज की सुर्खियां शेखर और मेधा से। आज से जयपुर में सजा पत्थरों का बाजार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का शुभारंभ। 4 दिवसीय स्टोन मार्ट में 411 एग्जिबिटर्स ले रहे हिस्सा, 85 विदेशी एग्जिबिटर्स भी शामिल। मुख्यमंत्री ने ओटीएस निवास से सुना केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पत्थर उद्योग और अन्य गतिविधियों का महत्व किसी से छुपा नहीं है। राज्य में इस उद्योग और इससे जुड़े अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आज जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। रीको के अभिन्न अंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीरॉस के तत्वावधान में हो रहा यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 4 फरवरी तक चलेगा। स्टोन मार्ट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में खनिज संपदाओं की अपार संभावनाएं हैं और इंडिया स्टोन मार्ट से राजस्थान में निवेश में बढ़ोतरी होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ, क्योंकि इसमें सीडास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स एवं ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड के विजेताओं को भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि उनका काम भी ऐतिहासिक काम है, क्योंकि स्टोन में होने वाले काम को मूर्त रूप देने का काम वो करते हैं। राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो यह बहुत संभावना, राजस्थान का स्टोन देश नहीं दुनिया में सबसे अच्छा और दुनिया में उसकी मांग भी है, लेकिन मांग को बढ़ाना और हमें दुनिया में इस राजस्थान की पहचान को ले जाना, ये जो मेरे आज सामने बैठे हैं आप सभी का ये काम है। हमारा ग्रेनाइट भी दुनिया में सबसे अच्छा है, मार्बल सबसे अच्छा है, स्टोन हमारा सबसे अच्छा है। ये आप देखिए, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। आप आइए, आप जो कहेंगे सिंगल विंडो के हिसाब से आपको जमीन, पानी, विद्युत, जो भी आपके इंडस्ट्रीज में आवश्यकता है आपकी पूरी तरह से होंगी। आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी का है। आइए मिलकर काम करें, इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट प्रदेश के समृद्ध पत्थर उद्योग को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में कामयाब होगा। इस तरह के आयोजनों से रोजगार के नए अवसरों की भी राह खुलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की दिशा में ये एक सार्थक प्रयास है। हमें राजस्थान के पत्थरों के अंदर प्राण भरने हैं, हमें वैल्यू एडिशन करना है। ये एक ऐसा मंच है इंडिया स्टोन मार्ट, जहां पर बायर सेलर बैठकें होंगी। राजस्थान के पत्थरों का मार्केट पूरी दुनिया भर में हो, ये जिम्मेदारी हमारी है और राजस्थान सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की अलग अलग चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, कभी योग पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर होता है, कभी राजस्थान का श्री अन्न पॉपुलर होता है, उसी तरह आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आप सबके सहयोग से हम राजस्थान के पत्थरों को अगले 5 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इस इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के अंदर हमने शिल्प ग्राम की भी व्यवस्था करी है, जहां वो आर्टिस्ट जो पत्थरों पे काम करते हैं उसको अलग अलग रूप देते हैं, उनके लिए भी यहां पर स्टॉल्स हैं, उनकी भी बायर सेलर मीट होगी। हमने 30 स्टॉल ऐसी रखी हैं जो निशुल्क हमने अपने आर्टिस्ट्स को यहां पर दी है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि प्रदर्शनी में कुल 411 एग्जिबिटर्स में से तुर्की से 68, ईरान और इटली से 5-5, अमेरिका से 2, वियतनाम, स्पेन, रूस, इथोपिया, चीन से 1-1, कुल 85 विदेशी एग्जिबिटर्स और देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 326 एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं।
राजस्थान स्टोन्स के मामले में तो है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट्स की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, माइंस मिनरल सेक्टर में, जिसी का एक भाग स्टोन्स से रिलेटेड भी है। और जो राज्य सरकार जिस प्रकार की योजनाएं और इंसेंटिव देती है, इससे कई उद्यमी जो है एक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं किस प्रकार से राजस्थान में उनको इन्वेस्ट करने का अवसर मिले। हमारे जो इन्वेस्टमेंट टीम, इंडस्ट्रीज की टीम है यहाँ पर, वो पूरी तरह से फैसिलिटेट करेगी, मदद करेगी कि बड़े से बड़े निवेश यहाँ पर आए और आसानी से उनके काम जो सरकार से संबंधित हैं, चाहे जमीन के हों, चाहे कनेक्शन के हों, चाहे पावर इवैक्यूएशन के हों, चाहे लाइसेंसेस के हों, परमिशंस के हों, गत वर्षों में जो भी इन्वेस्टर प्रमोशन स्कीम्स हुई हैं उनमें और सरलीकरण, उनमें और सिंप्लीफिकेशन, इम्प्रूवमेंट भी किए जाएंगे, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा माहौल स्टेट में बने। एंड वी होप दैट नॉट ओनली डू यू कंटिन्यू टू कम फॉर वेरियस एडिशंस ऑफ द स्टोन मार्ट विच विल बी हेल्ड नाउ इन 2026, बट ऑल्सो लुक एट other avenues for investment in the state in any sector, and the state government would be more than happy to roll out the red carpet to welcome you, your teams and your investments in the state. आपको बता दें कि यह आयोजन पत्थर उद्योग से संबंधित विभिन्न हितधारकों जैसे घरेलू और विदेशी उत्पादक, निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और खरीदारों, विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वास्तुकारों, बिल्डरों, डेवलपर्स, कॉर्पोरेट्स आदि को एक छत के नीचे ला रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 स्टोन सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं, मैन्युफैक्चरर्स, कारोबारी जैसे एग्जीबिटर्स को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के बीच अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने और उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। आपको बता दें कि बजट में मुख्य रूप से चार सेक्टर्स पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वहीं गरीब कल्याण योजना में डीबीटी से 34 लाख करोड़ रुपए खातों में पहुंचाए गए। बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि महिलाओं के उत्थान पर सरकार का विशेष ध्यान रहा है। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। साथ ही युवाओं के लिए 3,000 नए ITI खोले गए हैं और 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने खेलों की बात करते हुए कहा कि एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। और अन्नदाताओं का भी पूरा ध्यान रखते हुए PM किसान योजना से 11 करोड़ 8 लाख किसानों को आर्थिक मदद दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी काम किया गया। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया गया। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हम सभी का संकल्प है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, अंत्योदय के प्रण व भारत के समग्र विकास के संकल्प की सिद्धि हेतु माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट का प्रसारण OTS स्थित निवास से श्रवण किया। आमजन को राहत पहुंचाने और उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रयासरत हैं। वे अपने निवास पर प्रतिदिन जन सुनवाई करते हुए आमजन से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज भी OTS स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को इनकी जाँच कर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए आवेदन की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक भर्ती 2022 के तहत 26 अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेज और निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के लिए वरिष्ठ अध्यापक के कुल 347 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी से संबंधित विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के पदों के लिए साक्षात्कार का 9वां चरण 5 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 162 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार
पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग सचिव ने बताया कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र फोटोकॉपी के साथ अवश्य लाएं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।